एसआरकेपी गवर्नमेंट कॉलेज, एसआरकेपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज किशनगढ़ से मैं डॉक्टर कमलेश श्रीतानी बच्चों आपका स्वागत करती हूँ। आज हम रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंशेस के अंतर्गत ही एक जो हमारा चैप्टर चल रहा है इसमें हम लोग टाइप ऑफ प्रिफरेंशेस पे बात करेंगे और सीआरआर पे बात करेंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो बच्चों प्रेफरेंशेस का टाइप हमें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें पता रहना चाहिए कि हम किस प्रकार के शेयर्स का रिडम्पशन करते हैं। तो इन सबसे पहली बात तो आपको जो मैंने बताई थी कि इसमें जो है हम लोग जो है ये जैसे मैंने इसमें जो इसके नोट्स भी आपको दिए हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको तो जो रेट होती है डिविडेंड की वो फिक्स होती है इनकी एनुअल जनरल मीटिंग में, डिपेंड ऑन द प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर अ पर्टिकुलर ईयर द रेट ऑफ डिविडेंड। इनकी जो रेट ऑफ डिविडेंड होती है बच्चों ये इनकी जो रेट ऑफ डिविडेंड ये डिविडेंड की फिक्स होती है एक प्रेफरेंशियल होल्डर्स की, और इक्विटी शेयर होल्डर्स को जैसे डिविडेंड होता है उनको तो डिविडेंड बाद में लेना ही है लेकिन इनका डिविडेंड फिक्स होता है। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर। जैसे मान लीजिए किसी साल में आपके पास में डिविडेंड ज़्यादा है कम है तो आप प्रेफरेंशियल होल्डर्स को कितना डिविडेंड देते हैं। हालांकि इनकी जो प्रेफरेंस इनका डिविडेंड का फिक्स रेट का एक तो प्रेफरेंस है इनके पास में और दूसरा लाइफ टाइम का इनका ये है कि भाई जब भी कंपनी बंद होती है तो इनको भी पहले पैसा दिया जाएगा। और अलग अलग टाइप्स के शेयर्स हैं, आप ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये कि किस तरह के प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी इशू कर सकती है। फर्स्ट टाइप हमने लिया रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी में इशू दिस टाइप ऑफ शेयर्स ऑन द कंडीशन दैट द कंपनी विल रिपे द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल्स टू द होल्डर ऑफ दिस कंपनी आफ्टर फिक्स पीरियड, है ना। कंपनी डिसाइड कर लेती है जो कि सेक्शन 80 में डिसाइडेड है कि कंपनी रिडम्पशन कर सकती है तो रिडम्पशन होगा, और ये उसमें डिस्क्रिप्शन पे कंपनी में डिपेंड करता है कि कितने पीरियड में इनका रिडम्पशन किया जाना है। दूसरे होते हैं इरिडीमेबल। इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल्स का मतलब अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश। अशोधनीय जो पूर्वाधिकार अंश है इनका जो है रिडम्पशन जो है नहीं किया जाएगा क्योंकि पहले से डिसाइडेड होता है कि ये कंपनी की पूरे होल लाइफ टाइम तक चलेंगे और इनको डिविडेंड दिया जाता है। तीसरे टाइप के आपके प्रेफरेंस शेयर्स हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल का मतलब है कि जिनको ये राइट होता है कि कभी भी उनको जो है जब भी डिसाइड होता है तो एजीएम में तो इनको जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन सब तय होंगी लेकिन ये कन्वर्टेबल होते हैं। इनको प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर में जाने का अधिकार है क्योंकि कंपनी के मालिक तो वो भी हैं और ये भी हैं। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होंगे होल्डर्स ऑफ दी शेयर्स डू नॉट एंजॉय द राइट टू गेट द शेयर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। अगर ये इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं तो ये होंगे नॉन कन्वर्टेबल। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स अगले होंगे। ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब इनको राइट होता है कि कंपनी का अगर कभी भी सरप्लस पैसा बचता है तो ऐसा नहीं कि वो इक्विटी शेयर होल्डर्स ही ले जाएं, इनको भी राइट है कि ये जिनमें डिसाइड कर लेते हैं और इनको भी एडिशनल डिविडेंड मिलता है क्योंकि ये कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स की तरह ही कंपनी में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये जो है कंपनी के फिक्स रेट मिलने के बाद इनको कोई और अधिक एडिशनल डिविडेंड नहीं मिलेगा, इनको जो फिक्स रेट का डिविडेंड है वही मिलेगा। कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर्स होंगे अगले। कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर्स कैरी द राइट टू अ फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड। इनको फिक्स अमाउंट का डिविडेंड मिलता है यानी इनको आपको 12% डिविडेंड देना ही देना है हर साल। अब मान लीजिए किसी ईयर में आपके पास में 12% डिविडेंड होता ही नहीं, बचता ही नहीं, पैसा ही नहीं है, करंट ईयर प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट, अगर आपके लाभ पूरे नहीं है तो क्या किया जाए। तो इनका लाभ जो इनका डिविडेंड जो डिसाइड हुआ इनकी शेयर कैपिटल पे 12% देना ही देना है तो 12% इनका कम्युलेट हो जाएगा, संचित हो जाएगा और जब भी आपके पास पैसा होगा तो उनको दिया जाएगा। लास्ट हमारे हैं नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर्स बच्चों जैसे वर्ड से ही लग रहा है असंचयी, इनके लाभ का संचय नहीं होगा। इनको जो लाभ मिल रहा है वो मिल रहा है और नहीं मिलता, किसी साल में लाभ नहीं है तो इनको नहीं मिलेगा, उसको एरियर के रूप में उसको लैप्स हो जाएगा इनका डिविडेंड और उसको जो है उसको एरियर के रूप में आगे नहीं ले जाएंगे। चलिए बच्चों ये तो था प्रेफरेंस शेयर्स के डिफरेंट टाइप के साथ आपने 8 तरह के जो इसके टाइप्स देखे। अब लास्ट में इसमें आपको एक चैप्टर मैं बता रही हूँ आपके इस लेक्चर में कि सीआरआर क्या होता है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिडम्पशन। प्रेफरेंस शेयर्स हमें जब रिडीम करने हैं तो मैंने आपको कहा कि कभी भी प्रेफरेंस शेयर्स का फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन इज नॉट अ रिडक्शन ऑफ कैपिटल। कभी भी आपकी पूंजी उससे कम नहीं होनी चाहिए। आपने किया है तो क्योंकि नहीं तो क्रेडिटर्स लड़ने आएंगे आपसे कि भी आपने पूंजी कैसे कम कर ली, तो कंपनी के हितों को नुकसान मत पहुंचाइए, तो इसलिए एक सीआरआर फंड बना लीजिए। तो हमारे मेथड्स में क्या होगा, एक मेथड है कि अगर हम या तो लाभों से ले लें पैसा, तो लाभ कौन से आप यूज़ करेंगे बच्चों इसके लिए, डिवाइजेबल प्रॉफिट्स, जो आपके लाभ उपलब्ध हैं आपके पास में
किसके लिए? डिविडेंड डिक्लेरेशन के लिए। उन लाभों को कहा जाता है डिवाइजेबल प्रॉफिट, विभाजन योग्य लाभ। उन विभाजन योग्य लाभों को आप यूज़ करेंगे और उनसे जो है आप डिविडेंड से पैसा निकाल करके, उन लाभों से निकाल करके, मैंने एक लिस्ट भी आपको पहले दी थी कि कौन से लाभ उपलब्ध हैं कौन से नहीं हैं, तो उनसे निकाल करके CRR क्रिएट किया जाएगा। एंट्री क्या बनेगी आपकी? उन फंड से पैसा निकालिए, उनको डेबिट करिए और जिसको जिसमें पैसा जाना है उसे क्रेडिट करिए। तो डेबिट आपने किसको कर दिया? कम कर दिया, दैट मीन्स उन फंड्स को डिवाइजेबल प्रॉफिट्स अकाउंट DR, जनरल रिजर्व हो सकता है, रिजर्व फंड हो सकता है, PNL अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, टू CRR। इस एंट्री से आप उसमें पैसा ले आइए, ठीक है। मैंने इसमें बताया है इफ़ द कंपनी इशूज एनी फ्रेश इशू, मान लीजिए कभी आपने फ्रेश इशू किया है शेयर्स का, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? बाकी पैसे के लिए आपको जो है CRR में डालना पड़ेगा, है ना। आपने कहा भाई मैंने तो रिडेम्पशन करना है 12 लाख का और आपने नए शेयर्स इशू कर दिए 4 लाख के, तो इसका मतलब क्या हो गया? 12 लाख में से 4 लाख माना इस करिए और 8 लाख का आपको CRR में डालना पड़ेगा, क्योंकि टोटल हमें पैसा या तो शेयर कैपिटल में बढ़ा दीजिए, नए शेयर इशू कर लीजिए, और यहाँ CRR को बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो ये बच्चों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई। और CRR का यूज़ क्या करेंगे फिर हम उस पैसे को? उसको उससे केवल हम फुली पेड अप बोनस शेयर दे सकते हैं। बोनस शेयर का मतलब समझते ही होंगे आप अच्छे से। बोनस शेयर का मतलब है कि जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को ही नए शेयर्स दिए जाएंगे विदाउट उनसे मनी लिए हुए, तो ये बोनस के रूप में उनको शेयर आ जाएंगे। तो इससे भी आपके जो है शेयर होल्डर्स का हितों की रक्षा होती है। तो अभी हम समझ रहे हैं कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है इसकी कैपिटल रिजर्व क्रिएट करने की। इससे क्या होता है कि क्रेडिटर्स खुश रहते हैं आपके, उनको ये चिंता नहीं होती कि भाई पैसा इधर उधर बैलेंस शीट हिल रही है, कोई पैसा बाहर निकल रहा है। पैसा आउट ऑफ बैलेंस शीट नहीं निकलना चाहिए, उसे पड़ा रहता है, आप एक फंड से निकाल के दूसरे में डाल रहे हैं CRR में, और CRR को भी शेयर होल्डर को ही देंगे। तो इस तरह से बैलेंस शीट में आपके कोई भी बड़ा चेंज नहीं किया आपने। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपको ये समझ में आती है तभी आपको रिडम्पशन का चैप्टर समझ में आएगा। बैलेंस शीट को जरूर देखिए, लास्ट वाली बैलेंस शीट को, कि उस पर आपके रिडम्पशन का क्या असर पड़ रहा है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है, मैं हमेशा बच्चों यही चीज़ बताती हूँ कि सीधा एंट्रीज को मत समझिए, पीछे देखिए कि इसका लास्ट इफेक्ट क्या पड़ने वाला है। जैसा हम अपनी लाइफ में भी करते हैं ना बच्चों, कि हम अपनी लाइफ में ये देखते हैं कि हमें कुछ जो चीज़ें उसका लास्ट इफेक्ट क्या पड़ने वाला है। आप प्लानिंग करते हैं तो इस प्लानिंग को जरूर देखिएगा, बैलेंस शीट साथ में जरूर समझते जाइएगा। दूसरा, मेंटेन वर्किंग कैपिटल, आपकी वर्किंग कैपिटल बनी रहनी चाहिए, है ना। CA - CL आपकी वर्किंग कैपिटल होती है, वर्किंग कैपिटल इक्वल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो वो भी आपकी वर्किंग कैपिटल भी पूरी तरह से मैनेजेबल रहेगी अगर आप CRR बनाते हैं। तो दैट मीन्स रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियस इन्वॉल्व्स रिपेमेंट ऑफ कैपिटल बिफोर पेइंग क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी जब समाप्त होगी तो क्या होगा? सबसे पहले प्रेफरेंशियल को पैसा देंगे, फिर क्रेडिटर्स को देंगे। इट मे अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, तो वो समझते हैं कि भाई हमारा हित तो इसके बाद ही है। इन एडिशन टू दैट द वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी विल बी डिप्लीटेड, अगर आपकी वर्किंग कैपिटल कम होगी तो इससे उनको नुकसान होगा। आउटफ्लो ऑफ कैश ड्यू टू रिडम्पशन हो गया तो वो कहेंगे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई द अमाउंट मे बी कैपिटलाइज बाय क्रिएटिंग द CRR। CRR करने से आप अपने लाभों को जो डिवाइजेबल प्रॉफिट से वो पूंजीकृत कर दिया। अगर डिवाइजेबल ही रहते तो वो उठ जाते, बैलेंस शीट से बाहर निकल जाते हैं, तो आपने उनको रोक लिया, बैलेंस शीट से बाहर नहीं जाने दिया, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया आपने, है ना। दैट अमाउंट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। कभी भी ये राशि इससे आप लाभांश डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। और ये इससे क्या होगा? लाभांश डिक्लेयर नहीं होने से क्या होता है? क्रेडिटर्स के हितों की रक्षा होती है, वर्किंग कैपिटल आपकी रिप्लेनिश नहीं होती, वो आपकी जो है बनी रहती है। तो इस तरह से ये हम इसमें समझे, इसको हमने। धन्यवाद।